हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। आ जाइए फटाफट, सभी लोग बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी मैथ की क्लास। आज की आपकी ये तीसरी क्लास है। हमने इससे पहले आपको क्लास सुबह 10 बजे के आसपास की थी, उसके बाद शाम को 4 बजे, और अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और जल्दी से ही हमने बैक टू रूटीन पे आएंगे और ढेर सारी क्लासेस जैसे किया करते थे वैसे ही करेंगे। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आप सभी लोग आ चुके होंगे और अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई में लगे हैं। अच्छे तरीके से हर चीज़ करिए, बढ़िया है, इजी है, बहुत दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो आज जानते हैं पढ़ना क्या है। आज तो आज को एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैथ का जो रिवीजन है, मैथ में क्वेश्चंस लगाने, जितना हम मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे, उतना हेल्पफुल है। तो मैथ के लिए मैंने यहाँ पर आज आपके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्टिंग कुछ थ्योरीज के सेक्शन हैं, उनको भी मैं बीच में फिर रिवाइंड करना चाहती हूँ। और जो बेसिक बेसिक है वो भी, जो इजीएस्ट है वो, जो टफेस्ट है वो, तो एक एक क्रम में मैं आगे बढ़ूंगी। तो आज मैंने पूर्णांक की जो संख्याएं होती हैं, इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, वहाँ शुरुआत करने का कुछ सोचा है। और एक आज इंटीजर नंबर क्या है, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, उन पर ये क्लास आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में मिलने वाली है। आई होप सो बढ़िया रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, आपका मैथ का रिविजन होगा। मैथ में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमेशा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की ये मैथ की हमारी यहाँ पर क्लास है, जो कि है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो परिभाषा से मिलते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम इनका नाम जानते हैं, तो इनके बारे में जानना हमारा एक वो है कि ये है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले यहाँ पर है परिभाषा। ठीक है, एक परिभाषा मतलब कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आप क्या समझते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर एक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर एक पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं, उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती है। शून्य को लेकर जितनी भी पॉजिटिव संख्या होती है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं शून्य के साथ में, और जितने नेगेटिव नंबर होते हैं वो सभी मिला के पूर्णांक बनाते हैं, क्योंकि ये नंबर्स कहलाते हैं। और ये नंबर्स के जो सेट्स होते हैं इनको हम इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। तो निगेटिव इंटीजर वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बेसिक सी बात है, हमने कई बार पढ़ाया देखा और यही हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं, शून्य इसमें इंक्लूडेड होता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ों को जानेंगे। और हमको प्रदर्शन का सबका अलग अलग रहता है, तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में इसको हम जेड से दिखाते हैं। ठीक है, हम इसको कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी पूर्णांक संख्याओं के सेट में जो पूर्ण संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं वो आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं, और जो निगेटिव होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम जेड प्लस से इंडिकेट करते हैं। अगर बात हो रही है कि पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज नंबर है, तो उसके साथ हम जेड प्लस को लगाते हैं। और अगर उसी सेम जगह हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम जेड माइनस के रूप में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये जेड माइनस से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएँ और निगेटिव संख्याएँ दोनों में चीज़ें अलग अलग हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे सिम्बल्स दिए रहते हैं, तो हम तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए हमें इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में जो चीज़ें यहाँ पर दे रहा है वो क्या, कैसा सेट है, एक क्या सेट है, जैसे आपसे पूछा गया। कभी कभी हो सकता है कि आ भी सकता है, बहुत नेसेसरी तो नहीं, क्योंकि मैथ में थ्योरी का तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन मे भी अगर आ जाए तो देख लेना। तो यहाँ पर है पूर्णांक संख्याएँ हैं जेड, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद देखो तो आप देख सकते हो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो ये 0 से लेकर निगेटिव संख्याओं तक होता है, वो भी -6 तक होता है। अब इसकी जगह अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो 0 से लेकर 6 तक गिनती किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो कि ये पॉजिटिव है, यानी कि इसको हम जेड प्लस से इंडिकेट करेंगे, उसको हम जेड माइनस से इंडिकेट करेंगे। ये हमारी सभी निगेटिव संख्या है, ये हमारी सभी पॉजिटिव इंटीरियर वैल्यूज़ है। ठीक है, यही हमें इतनी देर से ये बता रहा है। आपकी शुरुआत भी इसी चैप्टर से हुई है, जिसमें आपको सम विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, इवन ऑड, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ, छोटे छोटे एग्जांपल के साथ डिफाइन की गई है। क्यों, सही है ना, आपके बुक में भी ऐसे ही दिया, आपके सिलेबस में भी यही टॉपिक पहले मेंशन हुआ है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक है, सिंपल है, देख लो ऐसे। आओ देखो, धनात्मक की बात कर ही रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेड प्लस आप देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 डॉट,
अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो जेड माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे दो इंटीरियर वैल्यूज़ का सेट हमको यहाँ पर दिया गया है जिनको हम मैथ में यूज़ करते हैं, सामान्यतः हम इनका बहुत यूज़ करते हैं। बस ये है कि ये हमें समझने के लिए है, हम कहें चाहे वहाँ पर रिप्रेजेंट करें या ना करें इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि जानते रहे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, ये कहते हैं इसको, ये इससे इंडिकेट करते हैं। आगे चलिए, इसी के साथ यहाँ तक हो गया क्लियर। कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स होते हैं जैसे आपको कभी कभी होता है कि सत्य असत्य की चीज़ें आ जाती हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम में आपके जो आप सीटेट का फॉर्म जिन बच्चों ने भरा होगा उनके भी क्वेश्चंस में आपको सत्य असत्य की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ वैसे होता है ना कि सब में कुछ फीचर्स होते हैं, वैसे इनमें भी इन सब में भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैथ में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पॉइंट आउट करना होता है। उससे प्रश्न हमसे मेनली देखा गया है कि हाँ हमसे प्रश्न अराइज हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि जो पॉइंट्स हैं भी जो हमें जानने हैं क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीरियर वैल्यूज होती है, वो हमारे रियल नंबर भी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीरियर नंबर्स, इंटीरियर वैल्यूज में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। अब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो हम बहुत छोटे स्तर की क्लासों में पढ़ते हैं और हमें पता भी होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता रहे, प्राकृतिक संख्या जैसे कि आपको नेचुरल नंबर्स और जितने भी नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की, तो हम उसमें क्या करते हैं, जीरो को और इंक्लूड करते हैं। हम काउंटिंग क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में होता है होल नंबर। तो होल नंबर की स्टार्टिंग जो है वो जीरो से, प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्टिंग है वो वन से है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पूर्णांक संख्याएं यानी कि जो इंटीरियर वैल्यूज होती है वो प्राकृतिक संख्या का और पूर्ण संख्या दोनों का मिक्सचर होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इंटीरियर वैल्यू की जो रेखा का क्रम होता है, रेखा देखिए उसके, अगर आपके पास आस पास होगी तो देखो इधर जीरो रहता है, फिर इधर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे नंबर दिए रहते हैं ना, कुछ उसी क्रम में। तो एक इंटीरियर वैल्यू के सेट में आपको ये भी वैल्यूज आएगी, अगर ये भी वैल्यूज आएगी और जीरो भी उसमें ऑल्सो इंक्लूडेड होगा। तो वही बात आपके इस दूसरे पॉइंट में क्लियर की जा रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए आगे देखिए। तीसरा पॉइंट है, जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है ना ही, अगर बात करते हैं कि जीरो को जब इसमें इंटीरियर वैल्यूज में ऐड कर रहे हैं तो जीरो आखिर फिर कैसा है? तो जीरो जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब क्या है कि ना तो वो निगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल रहता है एक प्रकार से, ना उसको पॉजिटिव से कोई लेना देना है ना ही उसको निगेटिव से कोई दोस्ती या दुश्मनी है। पूर्णांक संख्याओं में भिन्न और दशमलव की संख्याएं शामिल नहीं, जब भी इंटीरियर वैल्यूज की बात हो रही है, जब कभी भी इंटीरियर वैल्यूज या इंटीरियर की बात हो रही है, इंटीरियर से कुछ भी करना है, तो वहाँ पर कभी भी आप डेसिमल की वैल्यू या आप फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को वहाँ पर एड ऑन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे 7/9, 5/5.6, ये कुछ भी ये पूर्णांक संख्याएँ मतलब नहीं कहलाती, इंटीरियर वैल्यूज़ में नहीं आती हैं। आगे चलिए, तो यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट्स बताए आपको, ये चार पॉइंट्स मैंने आपके इस टॉपिक से डिस्कस किया। ये चारों काफ़ी बढ़िया टॉपिक हैं क्योंकि हमें इसमें आपके सीटेट में सत्य सत्य की कुछ बातें पूछ लेगा और आपके ऑब्जेक्टिव में पेपर में जो पांच ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव आने हैं, 25 नंबर का यह पेपर होना है, तो इन पांच ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रॉपर्टी से कुछ बातें पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी एक है कौन सी एक नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बताई कि ये चीज़ें आप एक बार से फिर से रिविजन कर लो। मैथ का रिविजन अब मैं करवा ही रही हूँ, सारे सब्जेक्ट का फिलहाल करवा रही हूँ, स्पेशली मैथ का ही नहीं। तो जो चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देखो, फिर कुछ ये यहाँ से ले लो, तो दोनों जगह से आप हेल्प ले लोगे तो आपके हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि पूर्ववर्ती और परवर्ती, जिसके बारे में हमने बहुत बार देखा, बहुत ईजी सा टॉपिक है कि हमें बहुत बार इसके बारे में पूछता है और हम कर रहे हैं रिविजन, तो ये भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है तो हम देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर है कि पूर्णांक संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती में मतलब क्या है कि पूर्ववर्ती आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी संख्या में एक से घटाते हैं, कोई एक संख्या हमको दी है और हम उसमें एक माइनस कर रहे हैं, एक उसमें डिक्रीज कर रहे हैं, एक उसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उस संख्या को हम पूर्ववर्ती कहते हैं कि हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांकों के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक संख्या का अपना पूर्ववर्ती संख्या होता है, हर एक संख्या का अपनी पूर्ववर्ती संख्या पहले से फिक्स है कि यही होगी, इसके सिवा कुछ और नहीं होगी। तो वो कैसे, जैसे यहाँ पर दिया है कि दो, दो की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो एक होगी, क्योंकि हमें दो में से एक को माइनस करना है। ठीक है, दो में से हमें क्या करना है, एक को घटाना है। तो आपके पास दो सेब है, एक सेब आपने निकाल दिया, तो बस कितना सेब बचा, एक ही सेब तो बचेगा, तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अगर हम बात करते हैं उसी जगह, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया है -11। एक चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर एक चीज़ को ले लिया कि आप पूरा समझो, थोड़ा सा इसको ध्यान देख लेना। आज मेरा ये लेने का मोटो यही था
कि जितनी भी ये डाउट है, जो थोड़ा सा भी आपको एक इफ बट है वो भी ख़त्म हो जाए। जैसे अभी दो का ये दो है, ये माइनस दो नहीं, ये तो इसके साथ लगा हुआ है, डैश है वो। जैसे दो है, तीन है, चार है, छः है, आठ है, बारह है, सोलह है, 200 है, ठीक है, 3000 है, तो इसको ऐसे बताना हो कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो ये हमारे लिए बताना काफ़ी आसान है और हम आसानी से बता देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम हमेशा उसमें से एक घटाते हैं, एक कम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर हमको यही संख्या निगेटिव में दी हो, तो हमें अगर यही संख्या निगेटिव में, जैसे माइनस ग्यारह की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो माइनस ग्यारह की पूर्ववर्ती संख्या के साथ माइनस लगा हुआ, और हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें एक माइनस करते हैं, तो भैया ये जब इसमें एक माइनस करोगे तो ये आपका माइनस और ये माइनस मिला के प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये तो 12 आ जाएगा, और भी माइनस लगा देंगे क्योंकि 11 के साथ माइनस लगा हुआ, तो माइनस बड़ा है ना, माइनस 11 बड़ा है माइनस 1 से, मतलब माइनस की संख्या के साथ है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको माइनस 6 दिया हो, माइनस 6 दिया हो उसमें से एक घटाओगे तो यहाँ पर आपका माइनस 7 वैल्यू आएगी ना, यही ध्यान रखना, क्योंकि आप गलत कर देते, आपको ये बात रटी रटाई थी, ये मालूम भी था कि हम हमसे जो है पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो हम जाके एक माइनस करके अपना नंबर ले लेंगे, लेकिन अगर माइनस के केस में दिया हो तब क्या करेंगे, बात ध्यान, नहीं तो घटाने का आपको दिमाग में बैठा हुआ कि वो घटाना है, और आप जाओ 10 में 11 में से माइनस 11 में से एक घटा दो 10 लिख के चले जाओ, तो ये आपका गलत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ऐसी छोटी सी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ पर आप गलत कर दोगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज ये एक टॉपिक एक ऐसा रहा कि एग्जांपल के थ्रू आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिन्हें आता है वो तो भी अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें बिल्कुल मैथ का एम भी नहीं आता है, तो मैं तो उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिनको मैथ का एम नहीं आता है, जिन्हें मैथ की पूरी मास्टर मैं उन्हें नहीं पढ़ा रही, वो कैपेबल हैं, वो अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, जिनको मैथ का एम नहीं आता, बच्चे जो डर रहे हैं, मैं उनको पास आउट होने के हर तरीके बता रही कि उनको 12 नंबर कैसे आ रहा है, क्योंकि उनके मैं नहीं चाहती हूँ किसी बच्चे का बैक लगे, लेकिन इनका खासकर मैथ में बिल्कुल ना लगे, ठीक है, क्लियर। चलो इसी के साथ तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बात कर लेते हैं परवर्ती की, ठीक है, परवर्ती संख्या क्या होती है, देखो परवर्ती और पूर्ववर्ती मैंने इसीलिए, आपको हमेशा उत्तरवर्ती अनुवर्ती पूछता है, लेकिन परवर्ती का मतलब होता है आगे, ध्यान रखना क्या होता है आगे, तो किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उस संख्या के परवर्ती, जब हम किसी भी संख्या में एक जोड़ रहे हैं तो हमको उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे हमको मालूम है कि 0 में एक जोड़ेंगे तो हमें एक मिलेगा, ठीक है, अगर हम 0 में एक जोड़ रहे हैं तो एक तो आपको 2 हो, आपको 3 लिखा हो, आपको 4 लिखा हो, आपको 6 लिखा हो, आपको 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, 16 लिखा हो, 18 लिखा हो, 19 लिखा, कुछ भी लिखा हो, तो इसमें हम एक संख्या को जोड़ देंगे, उसके आगे की एक जो संख्या होती है उसको हम परवर्ती देंगे। तो आपको अगर परवर्ती शब्द नहीं पता है तो ध्यान रखो कि सिर्फ उत्तरवर्ती या अनुवर्ती लिखा हो, तभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर जाके एक जोड़ दोगे। कई जैसे फ्रेंड्स सूर्य की पर्यायवाची ढेर सारी होती, वैसे ये शब्द भी हैं, आपको मुझे मोस्टली पता है कि आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको उत्तरवर्ती ही पता है, बहुत सारे को ऐसा है जिसको अनुवर्ती ही पता है, परवर्ती के बारे में कुछ लोगों को मालूम है, तो आज ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम जब रिविज़न करते हैं तो हम हर चीज़ को देखते हुए चलते हैं, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो -56 का परवर्ती क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि हमको एक जोड़ना है, ठीक है, तो -56 में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये -55 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, तो हमें यहाँ पे एक जोड़ने की बात कही गई थी, तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर 56 की परवर्ती संख्या हमको बतानी है तो हम उसमें जाके एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको जो चीज़ कही गई है और जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग यही रूल है, तो आपका क्या होगा 55 होगा। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से 97 -97 तो क्या होगा -96 होगा, ठीक है। अगर हम यही कहूँ -20 है तो -20 का क्या होगा -19 होगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कही जा रही है और जो सिंबल लगा है उसके साथ वो दोनों विपरीत है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये चीज़ें बेसिक सी छोटी सी बात है जो नहीं पता होगी, इन्हें पता है ठीक नहीं पता है, आप चलो क्लास को फटाफट लाइक भी कर दो, क्योंकि 14 मिनट की क्लास हो गई है, लाइक तो बनता है। चलिए आज मैं जैसे भी प्रॉपर थोड़ी तरीके से हो पाई, तो मैंने कहा नहीं अब क्लास कर लेते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में भी आ जाएगा, और बेस्ट तरीके से बता भी रही हूँ हर चीज़, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, मैथ है समझ लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा, मैं हमेशा कहती हूँ मैथ पे खूब पढ़ाई कर लो, मैथ को ज़्यादा पढ़ो, मैथ को ज़्यादा लिखो, मैथ को ज़्यादा लगाओ, और बाकी चीज़ों को थ्योरली पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो, ठीक है, बाकी चीज़ों को ऊपर से रीड आउट कर लो, उसके चक्कर में बहुत मतलब है, राइटिंग 2-3 पेज लिखो ताकि पेपर ना छूट नहीं पाए, बाकी सब कर ले लोगे प्रॉब्लम नहीं होगी, राइटिंग थोड़ा सुधार लेंगे, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे 4 चांद लग गई चीज़ों में, वैसे ही है, बाकी कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो एक चीज़ है, अब जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो मैं छोटा सा संख्या रेखा आप जानते हैं ना, अब देखो संख्या रेखा में जैसे यहाँ पर ये देखो ये है,
यदि हम एक रेखा नीचे खींचते हैं और उस पर जीरो अंकित करते हैं, ठीक है, जीरो अंकित करते हैं तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होंगी, इधर दायां होता है, इधर बायां होता है। जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हमारा दायां हाथ होता है, ठीक, राइट हैंड होता है। तो कह रहे हैं जो लेफ्ट से लिखते हैं उनका लेफ्ट ही होता होगा फिलहाल, ये मत बोलना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, और वहाँ पर हम जीरो अंकित कर दिया मान, तो वहाँ पर जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है, और अगर हम वही बात करते हैं बाईं ओर के तो निगेटिव संख्याएं होती है। ये रेखाएं पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर निरूपित रहती है। जैसे जीरो ये है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर भी देखो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, तो ये इधर निगेटिव में हो गया, इधर पूर्णांक में हो गया। तो आपको संख्या रेखा के कुछ सवाल आते हैं कि यहाँ से वहाँ तक माइनस हो रहा है, संख्या रेखा में जोड़ो, संख्या रेखा में घटाओ, ऐसे कुछ कुछ प्रश्न आपके आए हैं। वैसे हमारे ख्याल से डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं देखने को मिले, लेकिन डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में आपको संख्या रेखा पर दिया गया है कि 5 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 5 फिर 2 में से आप 1 को जोड़ रहे हो तो कैसे जोड़ोगे, संख्या रेखा का जोड़, संख्या रेखा घटाओ, ऐसे कुछ सेक्शन के प्रश्न हैं जो आपको डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट में शायद नहीं। एक बार आप लोग मुझे आज कमेंट बॉक्स में या राज सर के पास आप देख के पुराने पेपर को चेकआउट करके बताइए, क्या संख्या रेखा पर निरूपित करके बनाने का कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। कोई भी गर्ल्स या कोई भी बॉयज मेरी बात मुझे मेरे तक पहुंचा सकता है बताकर कि क्या संख्या रेखा का कोई भी सवाल आपको जोड़ घटाना भाग का कुछ भी दिया, अगर दिया होगा तो आप मुझे ये चीज़ बता दो। मेरा थोड़ा काम है, नहीं मैं खुद चेक कर लेती लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं कर पाऊँगी, तो आप खुद मुझे देख के ज़रा बता देना कि क्या ये चीज़ें ऐसी कुछ हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, ठीक है। तो मैं उस पर क्वेश्चन वगैरह थोड़ा देख के बता दूंगी ताकि वो चीज़ें आपकी हो जाएँ और आपको प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप कर ले जाओ। तो यही मोटो है मेरा आपको चीज़ें बताने का, इसीलिए मैंने एक बार आपसे इसका जिक्र कर दिया कि संख्या रेखा की कुछ चीज़ें ध्यान रखो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देख के बता दोगे तो हम इसके बाद फिर करवा देंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आज मुझे छोटा सा ही ये क्लास करनी थी, और क्लास भी मैंने आपकी ये वाली बड़ी की कोशिश किया कि आपको चीज़ें समझाऊँ, बताऊँ, दिखाऊँ कि चीज़ें क्या हैं। तो आई होप सो क्लास पर आपको पसंद आई होगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको मैं आपको एक दिन ऐसे सम विषम की संख्याओं का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें जो भी आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में वो, और जो चीज़ें मुझे बतानी वो हम ऐसे रिविजन करके पर्सन का और भी जो सवाल हैं वो सब धीरे धीरे करके ऐसे मैं आपको कुछ थ्योरी का कुछ वैसा बता दूंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल फ्रेंड्स, अपनी करेंगे क्लासेस सेम टाइम पर, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, PDF वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई दिक्कत होती है तो बताइए, जितना होगा उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी। एग्जाम की कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर कल हम लोग ढेर सारी क्लासेस अभी फिर से करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।